आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। एक मामला आया था टेकरी का, क्या है? माताजी टेकरी देवस्थान पर 1 तारीख और 2 तारीख की दरमियानी रात में अज्ञात 2 आरोपियों ने वहां बैठने वाले जो परमानेंट फिक्स हैं सीमेंट और कंक्रीट की कुर्सियां तोड़ फोड़ करके उसमें जो तार और सरिया रहता है वो कहीं बाजार में इसको बेच दिया था कबाड़ी भंगार वालों को। तो पुलिस ने आज प्रकरण पंजीबद्ध किया है देवस्थान समिति की तरफ से 427 और 379 IPC के तहत, और अज्ञात आरोपियों की सघनता से तलाश पतारसी करके आज अरेस्ट किया है 2 लोगों को। उनसे वो तार भी मशरू का भी बरामद हो गया है और निरंतर पुलिस कार्रवाई कर रही है। 4 आदमी हमारे माताजी टेकरी पे 24 घंटे रहते हैं, राउंड द क्लॉक ड्यूटी रहती है। ASI महेश परमार, दुर्गेश यादव वगैरह 4 लोग लगे रहते हैं। चीता सेरा भी घूमती रहती है, पाथवे पर भी हम लोग घूम रहे हैं, अभी लगातार निगरानी बनाए हैं। वहाँ बाउंड्री वाल टूटी है, ऐसा आरोपियों ने बताया कि काली बस्ती है जो राधागंज की, वहाँ बाउंड्री वाल नहीं है, उसमें से ये घुसते हैं। और ये दोनों आरोपी पाउडर और गांजा पीने के हाथी हैं, बचपन से ही बिगड़े हुए हैं और नाबालिग हैं अभी, इसकी उम्र तो 18 साल भी पूरा नहीं हुआ है। वो उसके दस्तावेज बुलाए हैं, तस्दीक कर रहे हैं।